दोस्तों, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर आज भारत के लोकप्रिय मंदिरों में शुमार है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों की भीड़ यहां आती है, जो काफी प्रयास के बाद आखिर में बाबा महाकाल के दर्शन कर पाती है। हम आपको बता दें कि इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको कुल 7 पड़ाव पार करने होंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया था और वर्तमान में ये पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के सबसे पवित्र निवास माने जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भारत में 18 महाशक्तिपीठों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है। ये दक्षिण की ओर मुख वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, जबकि अन्य सभी का मुख पूर्व की ओर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्यु की दिशा दक्षिण मानी जाती है। दरअसल अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग महाकालेश्वर की पूजा करते हैं। रोजाना सुबह भस्म आरती और महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। महाकाल के दर्शन करने के साथ इनकी भस्म आरती भी जरूर देखनी चाहिए। इस तरह की आरती देखने का अवसर सिर्फ आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। आरती में शामिल होने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। बुकिंग के लिए मंदिर की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हालांकि मंदिर के टिकट काउंटर से भी भस्म आरती की बुकिंग हो सकती है, लेकिन उधर लंबी लाइन मिल सकती है। ध्यान रहे कि भस्म आरती का रजिस्ट्रेशन कराते समय आपके पास आपका आईडी प्रूफ भी हो। बता दें कि प्रत्येक सोमवार को निर्वाणी अखाड़ा के साधु संतों के द्वारा महाकाल मंदिर में भस्म आरती की जाती है। महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है, ऐसे में उनके अलावा इस नगरी में कोई दूसरा शासक या राजा नहीं रुक सकता। पौराणिक कथाओं के अनुसार विक्रमादित्य के शासन के बाद यहां कोई भी राजा रात भर नहीं टिक सका। इस मंदिर का इतिहास है कि जिस व्यक्ति ने भी ये दुस्साहस किया है वह घिर कर मारा गया। इसलिए आज भी कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन में रात नहीं बिताते। दोस्तों, अगर आप कम पैसों में उज्जैन का सफर करना चाहते हैं तो ट्रेन सबसे सस्ता विकल्प है। दर्शन करने के बाद कॉरिडोर से बाहर निकलते हुए मंदिर के दर्शन करने के बाद आ चुके हैं मंदिर के गेट के बाहर।
गया था तुमने, पूजा हो गया।